आदरणीय बंधुओं, माताओं वे मेरी प्यारी बहनों, राधे राधे। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीवन की धारा पर बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज हम इस वीडियो में भगवान श्री हरि व माँ लक्ष्मी का कथा प्रसंग सुनेंगे, जिसे सुनने सुनाने से भगवान श्री हरि की कृपा से समय सुखमय होता है। कथा सुनने के बाद यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो को शेयर व लाइक भी जरूर करें। कथा कहानी के अनुसार एक समय की बात है, माँ लक्ष्मी बैकुंठ लोक में भगवान श्री हरि को भोजन परोस रही थी। भगवान जैसे ही भोजन करने बैठे और भोजन का पहला ग्रास तोड़ा, त्यों ही उन्होंने अपना हाथ रोक लिया और उठकर चले गए। यह देखकर माता लक्ष्मी हैरान हुई कि प्रभु पहली ग्राही में ही उठकर चले गए। जाते हुए भगवान को रोकना माता ने उचित न समझा। कुछ देर पश्चात भगवान श्री हरि वापस लौटे और भोजन करने लगे। अब लक्ष्मी जी से रहा न गया और उन्होंने पूछ लिया, प्रभु भोजन करते समय आप उठकर क्यों चले गए थे? माँ लक्ष्मी की बात का उत्तर देते हुए भगवान बोले, देवी मेरे चार भक्त भूखे थे, मैं उनके भोजन की व्यवस्था करने गया था। और यह कहकर भगवान भोजन करने लगे और लक्ष्मी जी सोचने लगी कि प्रभु अपने भक्तों को भोजन करवाए बिना भोजन नहीं करते, इस बात की परीक्षा लेनी चाहिए। अगले दिन भगवान श्री हरि को भोजन परोसने से पहले माता ने एक छोटी सी डिब्बी ली और उसमें पांच चींटियों को बंद कर दिया। चींटियों को बंद करते समय देवी लक्ष्मी ने उन्हें प्रणाम करते हुए क्षमा मांगी और कहा कि मैं केवल यह देखने के लिए आपको इस डिब्बे में बंद कर रही हूँ कि प्रभु आपको भोजन कैसे करवाते हैं। ऐसा कहकर माता ने डिब्बी बंद कर एक और रख दी और भगवान श्री हरि के आने पर उन्हें प्रेम पूर्वक भोजन परोसा। भगवान ने भी बड़ी प्रसन्नता से भोजन किया। जैसे ही श्री हरि भोजन करके उठे तो लक्ष्मी जी कहने लगी, प्रभु आज आपके पांच भक्त भूखे हैं और आपने भोजन कर लिया। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान बोले, देवी ऐसा संभव नहीं है। तो यह सुनते ही लक्ष्मी जी ने तुरंत वह डिबिया उठाई और उसे खोला। जैसे ही लक्ष्मी जी ने डिब्बी के अंदर देखा तो वह हैरान रह गई, क्योंकि प्रत्येक चींटी के मुंह में चावल का कण था। हैरान होते हुए लक्ष्मी जी ने पूछा, प्रभु बंद डब्बी में चावल कैसे आए? ये डब्बी तो मेरे आँखों के सामने पड़ी है, आपने इसमें चावल कैसे डाला? माता की बात सुनकर भगवान मुस्कुराए और बोले, देवी जब चींटियों को डिब्बी में बंद करते समय आपने माथा टेका था, उसी समय आपके तिलक में से एक चावल डिब्बी में गिर गया था और इस प्रकार चींटियों को भोजन मिल गया। भगवान कहने लगे, देवी जो मुझ पर विश्वास रखता है उसे मैं कभी निराश नहीं करता। इस संसार के प्रत्येक जीव के पालन की जिम्मेवारी मेरी है, आवश्यकता है तो बस श्रद्धा और विश्वास की। मैं किसी भी जीव को भूखा उठाता जरूर हूँ, लेकिन भूखा सुलाता नहीं। कीड़ी को कन और हाथी को मन मेरी कृपा से ही प्राप्त होता है। बोलो जगत के पालन करता भगवान श्री हरि की जय। बंधुओं, भगवान श्री हरि की कृपा आप वे आपके परिवार पर सदैव बनी रहे, आपका घर आंगन खुशियों से महकता रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ
आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे।